क्या आप पुत्र संतान चाहते हैं? अगर लड़का चाहिए तो इस उपाय को जरूर कीजिए। जी हाँ, पितृ मोक्ष अमावस्या शनिवार की अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो पितृ देवताओं के आशीर्वाद से आपके घर में पुत्र संतान का जन्म होकर ही रहेगा। अगर आप भगवान श्री कृष्ण में विश्वास रखते हैं और इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो विश्वास मानिए आपके घर में बहुत जल्द पितरों के आशीर्वाद से किलकारियां गूंजेंगी, अर्थात आपके घर में संतान पुत्र संतान के रूप में जन्म लेकर आएगी। क्या उपाय है, कैसे आपको करना है, सारी विधि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने स्टेटस पर लगाएं। हो सकता है कोई संतान के लिए तरस रहा हो और इस उपाय को देखने के बाद उसे संतान की प्राप्ति हो जाए, उसका बहुत पुण्य लाभ आपको जरूर मिलेगा। भगवान आपकी हर एक मनोकामना पूरी करेंगे। और अगर आपको भी संतान नहीं है तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए, इसके करने से आपको जरूर संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब उपाय कैसे करना है, किस विधि के साथ करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुन लीजिए, समझ लीजिए कैसे आपको उपाय करने की जरूरत है। अमावस्या के दिन सुबह प्रातः काल आपको उठना है, उठकर स्नान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण का आपको पूजन करना है। भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें और उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जप करना है। उसके बाद रात्रि के 12 बजे, जी हाँ, रात्रि के ठीक 12 बजे उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके एक लाल या फिर पीले आसन पर बैठ जाइए, हो सके तो लाल या पीले वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद एक गाय के शुद्ध घी का दीपक जला लीजिए और दीपक जलाने के बाद रात के 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक एक आसन पर बैठकर ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र ध्यान रखिए, हो सके तो मंत्र एक कागज में लिख लीजिए, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक आपको जप करना है। ध्यान रहे 14 तारीख की रात में आपको ये करना है, अंग्रेजी तारीख के हिसाब से रात को 12 बजे 15 तारीख चालू हो जाएगी, लेकिन वो रात अमावस्या की रात ही मानी जाएगी। अगर आप इस उपाय को करेंगे तो विश्वास मानिए भगवान महाकाल की कृपा से अति शीघ्र आपके घर में संतान का जन्म हो जाएगा और आपको जीवन में संतान से संबंधित कमी का कभी एहसास नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा